बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ योर होस्ट उफेरा और आप देख रहे हैं लजीज कुजीन रमज़ान स्पेशल। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक, रमज़ान की रहमतें मुबारक। मेरे साथ इस वक्त सेट पर मौजूद हैं आपकी हर दिन लजीज, मेरी फेवरेट शेफ नाहिद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आपका। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सारे हमारे इकरा टीवी के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आप भी जैसे उफेरा ने कहा, रहमतें हम सब पे नाजिल हों और ये महीना जो बाप बरकत महीना है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम उसी तरह गुजारें जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं। एंड दिस इज़ अ मंथ फुल ऑफ वैल्यूज़, फुल ऑफ बरकतें जिसे कहते हैं, हम बरकतें कहते हैं। हमको इबादत पूरी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, सबको तहज्जुद पढ़ने की, ये वो चीज़ें हैं। रमज़ान नहीं पता कि किस किस को नसीब होता है, और रमज़ान वो चीज़ है जो हम सब के लिए रहमतें और बरकतें लाता है और हमको पूरी ट्रेनिंग मिलती है पूरी। अब मैं आपको हमारे एक और गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो कि बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक हैं, बेहतरीन नात ख्वाह हैं, बेहतरीन सना ख्वाह हैं। नाम है इनका दानियाल शेख। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम आपको भी, सबको जो देख रहे हैं उनको रमज़ान मुबारक। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक बार फिर हमें अल्लाह पाक ने रमज़ान नसीब फरमाया, हमारी खुश नसीबी है। हमें अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस रमज़ान में दाखिल कर दिया, और बस अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी इबादत करते हैं और कितने फ्यूज़ बरकात इससे हासिल करते हैं। दिल और जान से इस इबादतों जी जितनी इबादत हम आम दिन में करते हैं, हमें और खुशी और खुशी से करनी चाहिए। अवेल करनी चाहिए। अब मैं जानूंगी और आप भी बेताब होंगे जानने के लिए कि हमारी जो अच्छी सी नाहिद आपा हैं वो आज हमें क्या सिखा रही हैं। आज जो मैं बना रही हूँ ये भी एक स्नैक है। हम लोग बचपने से क्या होता था, समोसे पकौड़े, ये समोसे तो मस्त, और दही बड़े या दही की फुलकियाँ, ये एक चीज़ चली आ रही थी। ये मैं जो बना रही हूँ पोटैटो चिकन रोल अप्स। ओके दैट्स नाइस, ठीक है, एंड दैट्स और सीम्स हेल्दी। यस, बट इसके साथ साथ मैं क्या करूँगी, इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आलू, अब आप चिकन का कीमा ले लें, अगर आप नहीं हैं आपके पास, किसी ने ऐसा होता है चीज़ें चिकन नहीं है तो आप आलू और मैदे के साथ उस रोल अप को बना सकते हैं। ओके ठीक है, हम दाल भी ऐड कर सकते हैं। नहीं अभी आप पूरी रेसिपी आपने, इसके दाल आप बीच में ले आएंगे, ठीक है। आलू, चिकन, मैदा, अंडे क्रम्स तो चाहिए, ये मशरूम्स हैं, और ये भी गोश्त का नेबल बदल होते हैं, हाईली रिच इन प्रोटीन। यस, और ये है प्याज और मक्खन और हरी मिर्च, हरा धनिया, और ये क्रम्स हैं और काली मिर्च। मैं ये करती हूँ, टाइम सेव करते ही हमने कलाम भी सुनना होता है, मैं चाहती हूँ कि हम टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करें। सबसे पहले मैं फिलिंग कर लेती हूँ, और फिलिंग में आपने ली प्याज ऑमलेट की जैसी आपने काट, और इसमें अच्छा, हमने अच्छा पैन में अब बटर डालें। अब मैं इसमें डालूंगी बटर, क्योंकि ऑयल भी आप डाल सकते हैं, मगर थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। सही, और इसी में मैं डाल दूंगी मशरूम्स, चॉप्ड मशरूम्स, तकरीबन 4 to 4, 4-5 टेबल स्पून आपने मशरूम डाल दिए। सही, और इसको आपने करना है सॉटे। ओके ठीक है, और इसमें हम डालेंगे, अच्छा कभी कभी ना हाथ से भी चीज़ें डालनी चाहिए, इससे आप जब घर वालों के लिए बना रहे हैं तो मोहब्बतें बहुत हैं, और हमारे हाथ के जो पोर्स होते हैं, जो फिंगर पोर्स होते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि जायका ऐड करती हैं आपके फूड में। ये मैंने डाल दी काली मिर्च, और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही, और ये है हरा। और हरी मिर्च आपको कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से भी बचाती है। अच्छा अब आपको मैं बताऊँ, ये मैंने लिए आलू उबले हुए, आप तकरीबन आधा किलो आलू के अंदर, आधा किलो आपने आलू लिए, उनको बॉईल किया, और उसमें आपने डालना है आधा कप मैदा। सही, इक्वल क्वांटिटी में ये लिए आपने, और ये बहुत जल्दी गल जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून, ज़्यादा नमक नहीं, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, और ये इतनी जल्दी 2 मिनट में ये बन जाता है। और इसमें जो मक्खन है, 1 टेबल स्पून, बस चूल्हा बंद कर दें। अच्छा ओके,
बस ये दो सेकंड में बन जाता है, चिकन का कीमा है, बहुत अच्छा सा रूमा। और इसमें आप कोई चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे, रमज़ान शरीफ है, इन चीज़ों का भी ख्याल करें कि वेस्ट नहीं करें। ये मैंने इसी में थोड़ा सा मैदा डाला और इसको मैंने निकाल लिया, ठीक है। और थोड़ा सा सामने हरा धनिया पड़ा था तो ये भी, हरा धनिया ऑलवेज गिव्स द बेस्ट टच ऑफ लाइक फ्रेग्रेंस, जो फ्रेग्रेंस तो नहीं कहेंगे, अरोमा, एक खुशबू, एक खाने में जो जायका आता है। अब इसमें आपने डालनी थी चिकन, चिकन ओके। अच्छा, इसमें आपने तकरीबन एक कप चिकन डाल दिया है, बस इसको अब जला दें। अच्छा, अगर आपके पास चिकन नहीं है, आप मशरूम्स के साथ प्याज की भी फिलिंग कर सकते हैं। सही, मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी होता है कोई चीज़ नहीं है या कोई खाता नहीं घर में, तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, दिस रेसिपी सीम्स हाईली रिच इन प्रोटीन क्योंकि इसमें चिकन भी मौजूद है और इसमें मशरूम भी मौजूद है। अच्छा, इसको मैं मिक्स करूंगी। आपा, हमारा छोटा सा ब्रेक का टाइम हो जाए, बस ये मैं मिक्स कर लूंगी ब्रेक में, ठीक है। आप जितनी देर में आपा पोटैटो और मैदे का मिक्सचर को मिक्स कर रहे हैं, उतनी देर में मैं आपको बताती चलूँ कि इकरा टीवी की कम्प्लीट एपिसोड, अगर आपने लेटर ज्वाइन किया है तो कम्प्लीट एपिसोड इनके आप यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं, जिसका नाम है इकरा टीवी ऑफिशियल्स। साथ में अगर आप चाहते हैं अपनी मर्जी की कोई रेसिपी सीखना नाहिद आपा से, या कोई क्वेरी, कोई न्यूट्रिशनल टिप या कोई अच्छा सा कलाम जानना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ एक ईमेल करनी है feedback@ikra.tv पर। लेके चलती हूँ आपको एक छोटे से ब्रेक की तरफ, उससे पहले आपको दानियाल शेख अपनी अच्छी सी आवाज़ में एक बहुत खूबसूरत सा कलाम सुनाएंगे। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, जहाँ आपकी हुरमत पे लुटाने के लिए है, जहाँ आपकी हुरमत पे लुटाने के लिए है।